क्या आप जानते हैं, जब किसी घर में कोई भयानक क्राइम होता है तो पूरे परिवार पर उसका असर पड़ता है, चाहे वो कत्ल करने वाले का घर हो या जिसका कत्ल हुआ उसका घर हो, क्योंकि एक तो जेल चला जाता है और दूसरा दुनिया से चला जाता है। वहीं अगर पुलिस भी केस सुलझाने के पीछे पड़ जाए तो उसमें कोई कसर नहीं छोड़ती, छोटे से छोटे सुराग से भी बड़े बड़े केसेस सामने ला देती है। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं उर्वशी वैष्णव केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। यही पनवेल तालुका के अंतर्गत धामनी नामक एक गांव है। इसी गांव से होते हुए एक नदी बहती है, गाढ़ी नदी। ऊपर ब्रिज बना हुआ है। तो 14 दिसंबर 2022 की तारीख थी और दोपहर के आसपास का टाइम था। धामनी गांव के कुछ लोकल लोग नॉर्मली ब्रिज से होकर गुजर रहे थे, तभी किसी की नजर पड़ी ब्रिज के नीचे पिलर के पास। इन्होंने देखा कि कोई इंसान पिलर के करीब मुंह के बल पड़ा हुआ है, उसका आधा सर पानी के अंदर था। ये देखते ही सभी लोकल लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। फौरन इन्होंने पनवेल थाने में सूचना दी। कुछ ही मिनटों में पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, शव को अपने कब्जे में लेती है। ये पूरा झाड़ झंखाड़ वाला एरिया था, आसपास पहाड़ थे, जंगल थे। पुलिस ने शव का अच्छे से मुआयना किया, उसको ध्यान से देखते हैं। ये किसी महिला का शव था जिसकी एज 25 से 30 साल के आसपास की होगी। शुरू में तो लगा कि लड़की की मृत्यु डूबने से हुई है, मगर ये अंदाजा गलत साबित हो गया। देखने से ही समझ में आ गया कि मामला जरूर कुछ और ही है। लड़की के शरीर पर कुछ चोटों के निशान पाए गए, साथ ही साथ गले पर भी आगे के साइड किसी चीज से बांधे जाने के निशान मिले। कहीं ये कत्ल का तो मामला नहीं। पुलिस ने शव मिलने वाली जगह पर अच्छे से छानबीन किया, इसका पर्स, आईडी कार्ड या कोई और पहचान लायक चीज मिल जाए। लड़की का चेहरा सही सलामत था, यानी इसको पहचान सकते थे, मगर ये कौन है किसी को कुछ पता नहीं। लोकल लोगों ने भी लड़की को नहीं पहचाना। उनके अनुसार वो ऐसा चेहरा इलाके में पहली बार देख रहे हैं, यानी ये लड़की कहीं और से आई होगी। शुरुआती जांच पड़ताल करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए पनवेल के नाना साहब हॉस्पिटल भेज देते हैं। इसका पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साबित हो जाता है कि लड़की की मौत पानी में डूबने से नहीं हुई है, बल्कि गला घोटकर किया गया है। इसके शरीर पर विरोध करने के दौरान लगी चोटों के भी निशान मिले। ये कत्ल का मामला था। लड़की के कत्ल को भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, बस केवल 24 घंटे या उससे कम समय ही हुआ होगा। अब चूंकि ये कत्ल का मामला है, इसलिए पनवेल थाने में 15 दिसंबर तक अननोन के खिलाफ कत्ल का केस दर्ज किया जाता है। अब बारी थी इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने की, कातिल का पता लगाने की, मगर इससे पहले लड़की की पहचान भी जाननी थी। अब चूंकि ये कत्ल का मामला था तो ये केस लोकल पुलिस से लेकर क्राइम ब्रांच यूनिट 2 को सौंप दिया गया। अब क्राइम ब्रांच ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। सबसे पहले तो उस जगह पर जाते हैं जहां से शव बरामद किया गया था, यानी धामनी गांव में नदी किनारे। वहां पर फिर से छानबीन की गई। हॉस्पिटल में लड़की के शव को देखा गया। पुलिस को जो भी चीजें लड़की के पास से बरामद हुई उनको भी देखा गया। कुछ खास चीजें नहीं मिली थी। लड़की ने सैंडल पहना हुआ था, वो मिला। इसके अलावा भी छोटी मोटी चीजें मिली। लड़की ने किसी भी तरह के गहने नहीं पहन रखे थे, कान की बाली, नथनी, कुछ भी नहीं था, जबकि आमतौर पर लड़कियां पहनती हैं। इससे अंदाजा लगा कि कातिल ने शव ठिकाने लगाने से पहले सारे गहने उतार कर रख लिए थे। इसी में ही क्राइम ब्रांच की नजर पड़ी लड़की के सैंडल पर। उसे देखकर इनके मन में कुछ खटक रहा था, लेकिन एक सैंडल से पुलिस लड़की की पहचान कैसे करेगी। इसी दौरान क्राइम ब्रांच ने जिले के सभी पुलिस स्टेशन में, इसके अलावा आसपास के जिलों के थानों में भी सूचना भिजवा दी कि एक अनआइडेंटिफाइड लड़की का शव मिला है। अगर कहीं मिसिंग कंप्लेन लिखाई गई है या अगर कोई कंप्लेन लिखाने के लिए आए तो तुरंत सूचित करें। खैर, इधर जब ऑफिसर्स ने लड़की के सैंडल पर ध्यान दिया तो समझ आया कि यह सैंडल हाल के दिनों में खरीदा गया होगा। ये देखने से नया लग रहा था। ऊपर सैंडल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम भी मेंशन किया गया था, जिस भी कंपनी ने इसे मैन्युफैक्चर किया हो, ये वही की कोई लोकल फुटवेयर कंपनी थी। अब एक सैंडल से लड़की की पहचान करनी है, मगर दिक्कत ये थी कि इस तरह के सैंडल तो सैकड़ों लोग पहनते हैं, रोज बिकते होंगे, ढेर सारी दुकानें होंगी, आखिर कैसे पता किया जाए। अब पुलिस को ये जानना था कि सैंडल किस दुकान से बेचा गया था, इसीलिए पुलिस ने उसी कंपनी से कॉन्टैक्ट किया जिस कंपनी की सैंडल थी। उनसे पूछताछ किया गया, जैसे सैंडल्स कहाँ कहाँ पर सप्लाई होते हैं, इस तरह के सैंडल कौन कौन से दुकानों पर जाते हैं, हाल के दिनों में किस दुकान से ऐसे सैंडल्स के ऑर्डर आए। ऐसे करके पुलिस के सामने 3 दुकानें आती हैं जहां पर ऐसे सैंडल्स सप्लाई हुए थे, जिसमें से एक दुकान पनवेल में, एक वाशी में और एक मुंबई में था। अब क्राइम ब्रांच की 3 अलग अलग टीम्स लड़की के शव की फोटो लेकर और उसके सैंडल की फोटो लेकर तीनों जगहों की दुकानों पर जाती हैं। दुकानों में फोटोज दिखाकर पूछताछ किया गया। ये चीजें 15 और 16 दिसंबर के बीच में ही चल रही थी। इसी दौरान वाशी में जो चप्पल जूते की दुकान थी, वहां पर एक सेल्समैन ने सैंडल को देखते ही पहचान लिया कि यह सैंडल तो इसने ही बेचा था। जब लड़की की फोटो पुलिस ने इसे दिखाई तो इसने उसे भी पहचान लिया। यही लड़की सैंडल खरीदने के लिए आई थी। ये करीब 6 दिन पहले की बात है। खुशकिस्मती से इस दुकान में सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था। अब पुलिस ने कैमरे की फुटेजेस देखनी शुरू कर दी।
सेल्समैन के अनुसार ही टाइमलाइन को आगे पीछे करके देख रहे थे। एग्जामिन करते करते पुलिस 6 दिसंबर की तारीख की फुटेज देखनी शुरू करती है। इसी में एक कस्टमर को देखते ही सेल्समैन बोल पड़ा कि ये वही लड़की है। पुलिस ने भी जब ध्यान दिया तो वही लड़की लग रही थी। थोड़ा और गौर करने पर दिखा कि लड़की के साथ एक लड़का भी है। ये काफी हट्टा कट्टा बॉडी बिल्डर टाइप का लग रहा था। लड़की ने तो सैंडल पसंद करके ले लिया और लड़का बिलिंग काउंटर पर पैसे दे रहा था। अब पुलिस ने उस बिल की कॉपी चेक की, वो भी लड़की के नाम पर था। यहाँ से लड़की का नाम पता चला, उर्वशी वैष्णव। ये लड़की नवी मुंबई के कोपर खैराने इलाके की रहने वाली थी। ऐसे लड़की के बारे में तो पता चल गया, मगर इसके साथ वो लड़का कौन दिख रहा है? देखने से जिम में वर्कआउट करने वाला लग रहा था, बॉडी बिल्डर था। अब चूंकि ये लड़की कोपर खैराने की है तो ज्यादा संभावना था कि ये लड़का भी उसी इलाके में या फिर आसपास का रहने वाला होगा, वहीं के किसी जिम में जाता होगा। अब पुलिस ने उन इलाकों में चलने वाले सभी जिम्स के बारे में पता किया। वहां पर फुटेज से मिले लड़के की फोटो दिखाकर पूछताछ हुआ। सभी जिम्स के सीसीटीवी कैमरे भी चेक करने शुरू किए गए। लड़की के साथ जो भी हुआ शायद यही लड़का ही कुछ बता सकता है, कहीं यही तो कातिल नहीं, ऐसा भी संभावना था। अब दिन आता है 17 दिसंबर का। इसी दिन नेरुल पुलिस स्टेशन, जो कि नवी मुंबई में था, यहां से पुलिस ने एक शख्स को कॉल किया और थाने बुलाया। शख्स का नाम था पारस वैष्णव। इसके बाद पारस के चचेरे भाई जितेंद्र और जीजा जी नेरुल थाने पहुंचे। वहां पर ऑफिसर ने कहा कि आप पनवेल थाने पहुंचिए। इसके बाद पहले तो जीजा जी और चचेरे भाई पनवेल थाने पहुंचे, पीछे पीछे भाई पारस भी वहां पर जाते हैं। पनवेल थाने में पुलिस ने तीनों को एक फोटो दिखाया। ये फोटो किसी और की नहीं बल्कि धामनी गांव में नदी किनारे मिली उस लड़की की थी। इसे देखते ही तीनों पहचान गए कि ये तो बहन उर्वशी है। अब पुलिस को मृतक लड़की के परिजन मिल चुके थे। क्राइम ब्रांच ने इनसे पूछताछ शुरू कर दी। सारी घटना के बारे में जाना गया कि ये लड़की कौन है, क्या करती है, कैसे ये गायब हो गई, इसका हाल किसने किया, आपको किसी पर शक हो, लड़की इस जगह पर कैसे आई, वगैरह वगैरह। ऐसे पुलिस को बहुत सारी जानकारी मिलती है। लड़की का नाम था उर्वशी सत्यनारायण वैष्णव। इसका मूल रूप से घर राजस्थान के बूंदी में बिबनवा रोड पर दयानंद कॉलोनी में था, लेकिन अपने भाई पारस और चचेरे भाई जितेंद्र के साथ नवी मुंबई के कोपर खैराने सेक्टर 19 में रहती थी। 27 साल की उर्वशी पिछले 6-7 सालों से नवी मुंबई में रह रही थी और सोना रेस्टोरेंट बार, जो कि नेरुल में था, वहां पर वेटर के तौर पर काम करती थी। ठीक ठाक इसकी नौकरी थी, अच्छे पैसे कमा रही थी। इसके पास खुद की गाड़ी भी थी, रेड कलर की बलेनो। 13 दिसंबर की सुबह 9:30 बजे उर्वशी अपनी कार से रेस्टोरेंट जाती है जहां पर एक काम करती थी। इसके साथ इसका एक दोस्त भी था, रियाज खान। गाड़ी दोस्त ही चला रहा था। उर्वशी को उसके रेस्टोरेंट में ड्रॉप करने के बाद करीब 1:30 बजे रियाज वापस उर्वशी के घर पर आया। इसने उसके भाई पारस से कहा कि इसके सर में दर्द हो रहा है, कॉफी पिला दो। अब भाई पारस ने कॉफी बनाकर उसको पिलाई। फिर वो दोस्त उर्वशी की कार लेकर वापस चला गया। शाम के 5 बजे हमेशा उर्वशी अपने भाई को कॉल करती थी कि ड्यूटी खत्म हो गई है, घर आ रही है। कभी भाई उसको लेने जाते, कभी उसके दोस्त चले जाते, तो कभी वो अकेले ही घर आ जाती थी। मगर 13 दिसंबर की शाम उर्वशी का कॉल भाई को नहीं आता है। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, शाम से रात होने लगा, मगर उर्वशी घर नहीं लौटती है। भाई ने जब उसको कॉल किया तो उसने कॉल का आंसर भी नहीं दिया। इसके जीजा जी भी मुंबई में ही रहते थे। भाई ने उनको कॉल करके घटना के बारे में बताया कि बहन उर्वशी अभी तक घर नहीं आई है, अभी अभी कोपर खैराने पहुंच गए। भाई पारस ने उर्वशी के दोस्त रियाज को भी कॉल किया। दोस्त भी चौंक गया कि उर्वशी अभी तक घर क्यों नहीं लौटी। इसके बाद अगले दिन यानी 14 दिसंबर की शाम तक उर्वशी के घर लौटने का वेट किया जाता है, मगर जब वो नहीं लौटी तो रात में उर्वशी के भाई पारस, चचेरे भाई जितेंद्र, इनके जीजा जी और वो दोस्त रियाज सभी लोग नेरुल थाने जाकर उर्वशी की मिसिंग कंप्लेन दर्ज कराते हैं। मगर आज यानी 17 दिसंबर को उसके मृत्यु के बारे में पता चला। पुलिस ने उर्वशी के तीनों परिजन, उसके दोनों भाई और जीजा जी से पूछा, क्या आपको किसी पर शक है? तीनों ने बिना किसी झिझक के इल्जाम लगाया उर्वशी के दोस्त रियाज पर। वही आदमी सुबह में उर्वशी को लेकर गया था, कहा कि तुमको रेस्टोरेंट में ड्रॉप कर देता हूँ। देर रात में वो आदमी अकेले ही उर्वशी की कार लेकर आता है और घर में पार्क करके अपनी बुलेट बाइक लेकर चला जाता है। चचेरे भाई जितेंद्र ने उसको ऐसा करते हुए देखा था, ये भी देखा कि बहन उसके साथ नहीं है। भले ही ये आदमी साथ में नेरुल थाने उर्वशी की कंप्लेन लिखाने के लिए गया हो, लेकिन उसके बाद ये गायब हो गया था। भाई ने जब पहली बार रियाज को कॉल करके उर्वशी के बारे में पूछा था तो उसने अनजान बनने का नाटक किया। उसके बाद वो कॉल कट कर देता है, फिर दोबारा उसने आज तक फोन नहीं उठाया। 15 दिसंबर से ये भी गायब हो चुका है। पुलिस को जो जूते चप्पल की दुकान पर वो फुटेज मिला जिसमें उर्वशी एक लड़के के साथ सैंडल खरीद रही थी, पुलिस ने वही फुटेज उर्वशी के भाइयों को दिखाया। भाइयों ने देखते ही कहा कि ये तो उसका दोस्त रियाज खान है। उधर क्राइम ब्रांच की अलग अलग टीम्स जिम में पूछताछ कर रही थी, फुटेज देख रही थी। 17 दिसंबर को ही पुलिस को पता चल गया कि रियाज घनसोली के एक जिम में जिम ट्रेनर है। ये जिम में पर्सनल ट्रेनिंग देता है।
पुलिस को इसका एड्रेस भी मिलता है, जो था बिल्डिंग नंबर 26, माढ़ा कॉलोनी, गौतम नगर, गुवंडी वेस्ट, मुंबई। क्या सच में रियाजी उर्वशी का कातिल है? क्या इसने ही कत्ल किया है? मगर ये ऐसा क्यों करेगा? पुलिस के सामने बहुत सारे सवाल थे। जब पुलिस रियाज के घर पर गई पूछताछ करने के लिए, तो मिला कि वहां पर रियाज नहीं है, बस वहां पर इसकी पत्नी और बेटी थी। उसकी वाइफ ने कहा कि रियाज 2 दिन से घर नहीं आया है, पता नहीं कहां पर है। अब पुलिस ने रियाज को ढूंढने की मुहिम शुरू कर दी। इसके कॉल डिटेल्स और लोकेशन हिस्ट्री निकाली गई। CDR में पता चला कि रियाज ने 13 दिसंबर की शाम को करीब 9 बार एक शख्स से फोन पर बातचीत की थी। उस नंबर की जांच करने पर मिला कि वो नंबर इमरान शेख के नाम पर रजिस्टर्ड था। अब इसकी भी उस दौरान की लोकेशन चेक की गई। इसमें सामने आया कि 13 दिसंबर की शाम रियाज और इमरान की लोकेशन एक जगह पर देखी गई। ये शिलफाटा नामक इलाके से दिखने शुरू हुए थे, फिर ये नेरूल गए, वहां से खांडा कॉलोनी, फिर नेरे, फिर आकुरली, उसके बाद लास्ट में पनवेल। उर्वशी की लोकेशन भी नेरूल के बाद इनके साथ ही दिखी थी। बीच में लड़की की लोकेशन बंद हो गई। इमरान और रियाज पनवेल गए, वहां पर थोड़ी देर रुके रहे, फिर ये वापस शिलफाटा आते हैं। यहां से दोनों की लोकेशन अलग हो गई। अब इसमें रियाज के अलावा एक और संदिग्ध मिल चुका था, इमरान शेख। इसको ढूंढने में ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। ये गुवंडी के करीबी इंडियन ऑयल नगर में रहता था। ये पार्सल डिलीवरी का काम करता था। पुलिस ने इसको 18 दिसंबर तक उठाया और पूछताछ किया। इसकी मदद से रियाज को भी पकड़ा जाता है। रियाज और इमरान ने ही मिलकर उर्वशी का कत्ल किया था। पहले तो इन्होंने बताया कि कत्ल को कैसे अंजाम दिया, उसके बाद कत्ल की वजह भी बताते हैं। 13 दिसंबर की सुबह में रियाज अपनी बाइक से उर्वशी के घर पर जाता है, अपनी बाइक को वहीं पर पार्क कर दिया। इसके बाद ही उर्वशी को उसकी कार से ड्रॉप करने के लिए उसके रेस्टोरेंट ले गया। फिर ये 1:30 बजे उर्वशी के घर पर आता है, कॉफी पीता है। ये खुद को नॉर्मल दिखा रहा था ताकि बाद में इस पर कोई शक न कर पाए। फिर शाम को ये इमरान को लेने के लिए शिलफाटा गया, वहां से उसको पिक करने के बाद नेरूल जाता है उर्वशी को लेने के लिए। उसे कहा कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, फिर तुमको घर पर ड्रॉप कर देगा। चूंकि उर्वशी की ड्यूटी पूरी हो चुकी थी तो ये खुशी से साथ चल पड़ती है। रियाज कार ड्राइव कर रहा था, उर्वशी ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठी थी और इमरान पीछे बैठा था। रियाज के इशारा करते ही इमरान ने नायलॉन की रस्सी से, जो कि इसने प्लान के तहत पहले ही रख लिए थे, उससे पीछे से उर्वशी का गला दबाने लगा। उर्वशी के दुपट्टे को भी इसमें यूज किया जाता है। रियाज ने उर्वशी के दोनों हाथ पकड़ लिए थे ताकि वो हिले ना। ऐसे करके चलती हुई कार में उर्वशी का गला घोटकर कत्ल हो जाता है। इसके बाद दोनों कातिल पनवेल जाते हैं। पहले भी उर्वशी रियाज के साथ यहाँ पर घूमने के लिए आती थी, तो रियाज को ये जगह अच्छे से पता थी। ये काफी सुनसान इलाका था, बहुत कम लोग यहाँ पर आते जाते थे, रात में तो कोई भी नहीं आता था। तो अंधेरे में वहां पर गए और उर्वशी के शव को धामनी गांव के ब्रिज से नदी में फेंक देते हैं। सोचा कि वो पानी में डूब जाएगी, मगर अंधेरा होने की वजह से ढंग से कुछ दिखता नहीं है। उर्वशी पिलर पर गिरती है, उसके सर का आधा हिस्सा ही पानी में डूबा, बाकी वो पिलर पर ही लटकी थी। रियाज ने उर्वशी का पर्स, उसका ATM कार्ड, उसके पहचाने लायक सारी चीजें सब कुछ पहले ही रख लिए थे। इसके बाद सिलफाटा वापस आकर इमरान को ड्रॉप करता है। रात में 9-10 बजे के आसपास पेट्रोल पंप से इसने कार में फ्यूल भरवाया। अब ये उतनी दूर गया था तो फ्यूल भी खर्च होगा ही, तो उसके खत्म होने की वजह से उर्वशी के भाई इस पर शक कर सकते हैं। फिर उर्वशी के घर पर गया, उसकी कार पार्क कर दी और अपनी बुलेट लेकर वहां से निकल गया। फिर इसने उर्वशी का ATM कार्ड यूज करके 14 दिसंबर की भोर में ATM से 50,000 रुपए निकाले। उसके बाद ये नेरूल के एक ATM से 1.5 लाख रुपए निकालता है। हालांकि इतने पैसे ATM से निकाल भी सकते हैं या नहीं, ये ATM कार्ड और बैंक पर निर्भर करता है। रियाज ने 1.5 लाख रुपए किसी अननोन लेडी की मदद से निकाले थे, जो भी वहां पर पैसे विड्रॉ करने के लिए आई थी। ये भोर की ही बात है। अब रियाज ने बताया कि इसने कत्ल क्यों किया था। बात कुछ यूं है कि उर्वशी के इस आदमी से मुलाकात हुई उसी बार में जहां पर ये काम करती थी। दोनों की वहीं पर दोस्ती होती है, दोनों अच्छे दोस्त भी बन गए। इनकी मुलाकात वारदात के करीब 7 महीने पहले हुई थी। धीरे धीरे इनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि ये दोनों प्यार में पड़ गए, दोनों एक तरह से लिव इन रिलेशनशिप में आ जाते हैं। उर्वशी ने रियाज की मुलाकात अपने भाइयों और परिवार से भी कराई, सभी लोग इसको जानते थे। रियाज तो उर्वशी के पुश्तैनी गांव, जो कि राजस्थान के बूंदी में था, वहां भी जा चुका था। उर्वशी ने इसकी मुलाकात दोस्त के तौर पर कराई थी, ना कि बॉयफ्रेंड के तौर पर। ये रियाज से इतना प्यार करने लगी थी कि ये इससे शादी करना चाहती थी। कथित तौर पर रियाज ने उर्वशी से प्रॉमिस भी किया कि ये जनवरी 2023 में शादी करेंगे। मगर धीरे धीरे उर्वशी को पता चला कि रियाज ऑलरेडी शादीशुदा है, इसकी एक बेटी भी है। यही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार रियाज ने 3 शादियां की थीं, 2 को तलाक दे चुका था, तीसरी बीवी से एक बेटी थी। इसके बावजूद भी इसने उर्वशी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाया और शादी का प्रॉमिस भी किया। इन सबसे उर्वशी को बहुत धक्का लगता है। इसने रियाज को धमकी दी कि ये पुलिस में धोखाधड़ी का केस कर देगी, अपने घर वालों को सारी सच्चाई बताएगी। दोनों में काफी झगड़ा भी हुआ, मगर ये झगड़ा बाद में शांत हो जाता है, फिर से दोनों पहले की तरह रहने लगे। अब उर्वशी रियाज पर शादी का प्रेशर देने लगी।
अगर नहीं किया तो पुलिस में जाकर कंप्लेन करेगी, अपने घर वालों को बताएगी और तुम्हारे घर पर भी जाकर सबको बताएगी। किसी भी कीमत पर उर्वशी रियाज से अलग नहीं होना चाहती थी, मगर रियाज इससे दूरी बनाना चाहता था, मगर ऐसा होता नहीं है। अंतिम में रियाज उर्वशी का कत्ल करने के बारे में सोच लिया कि ये जीते जी पीछा नहीं छोड़ेगी, अगर इसने सच्चाई सबको बता दी तो बहुत बदनामी होगी। कत्ल से कुछ दिन पहले उर्वशी रियाज को लेकर राजस्थान भी गई थी, वहां पर किसी की शादी थी, उसी को अटेंड करना था। शादी से लौटने के बाद उर्वशी इसे शादी करने का जिद पकड़ लेती है। अब रियाज को इसका कत्ल करना ही था, मगर ये कैसे करे। इसी बीच इसके दोस्त इमरान ने इसे कॉन्टेक्ट किया, कहा कि इसको कुछ पैसों की जरूरत है, उधार दे दो, बाद में तुमको लौटा देगा। रियाज के दिमाग में इससे एक आइडिया आता है, सोचा कि क्यों ना इसको भी प्लान में शामिल कर लूं। फिर इसने दोस्त से कहा कि उधार मांगने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ मिलकर एक काम कर दो, काम पूरा होने के बाद ये तुमको 30,000 रुपए देगा, उसको वापस करने की जरूरत भी नहीं है। पैसों की लालच से इमरान भी उर्वशी के कत्ल की साजिश में शामिल हो गया। कत्ल के बाद रियाज ने इमरान को 30,000 रुपए दे भी दिए। जो जो चीजें रियाज ने पुलिस को बताई थी उसके अनुसार पुलिस ने अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाई, सबूत जुटाने शुरू कर दिए। कोपर खैराने के एक एटीएम में उर्वशी और रियाज साथ में दिखे थे, सीसीटीवी कैमरे से पता चला। एक और एटीएम में रियाज उर्वशी के एटीएम कार्ड से अकेले पैसे निकालते नजर आया। नेरुल के एक एटीएम से अननोन लेडी से पैसे निकलवाया था, पेट्रोल पंप पर फ्यूल भरवाया, सब कुछ कैमरे से पता चल जाता है। कॉल डिटेल्स भी थी और लोकेशन हिस्ट्री भी। इस केस में दिक्कत ये थी कि उर्वशी का कत्ल होते हुए या उसके शव को ठिकाने लगाते हुए किसी ने भी देखा नहीं था, कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं था, बस सरकमस्टेंशियल एविडेंसेस और टेक्निकल एविडेंसेस ही थे। 16 मार्च 2023 को पनवेल पुलिस चार्जशीट कोर्ट में सबमिट करती है। इमरान और रियाज पर मुकदमा शुरू हुआ। अभी तक इसमें करीब 49 विटनेसेस गवाही दे चुके हैं। कोर्ट में रियाज ने कई बार बेल के लिए अर्जी भी लगाई थी, मगर रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन 2 सितंबर 2024 को रियाज को सेशन कोर्ट बेल ग्रांट कर देती है, यानी ये बेल पर बाहर आ गया। इमरान की कोई भी अपडेट नहीं है। इस तरह से एक आदमी शादीशुदा होने के बावजूद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है, और लड़के भी बिना कुछ जाने समझे कि ये शादीशुदा है, इससे प्यार किया और फिर बाद में उसका हाल क्या हुआ ये तो आपको बता ही दिया। ऐसे लिव इन में होने वाले क्राइम्स के बहुत सारे केसेस हैं और ये बढ़ते ही जा रहे हैं। जिस तरह से रियाज ने उर्वशी को धोखा देकर प्यार का नाटक किया, उसके लिए उर्वशी की माँ, भाई, घर वाले रियाज के फांसी की मांग कर रहे हैं और रियाज बेल पर बाहर घूम रहा है। तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।